प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज लेपारादा अरुणाचल प्रदेश का 25वां जिला है, जिसका गठन प्रशासनिक सुविधा और त्वरित विकास के लिए वर्ष 2018 में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 983 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 21,000 के आसपास है। लेपारादा जिले में मूल रूप से गालो जनजाति के लोग निवास करते हैं और इस जिले में 4 प्रशासनिक अंचल बासार, तिरबीन, दारी और सागो है। यहाँ के लोग प्रकृति और जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ विकास में विश्वास रखते हैं। लेपारादा जिले में एडवेंचर, इको, एग्री एंड कल्चरल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल पर्यटन महोत्सव वास्कोन का आयोजन किया जाता है। लेपारादा जिले के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन है। देश के ग्रामीण हिस्सों में बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच समग्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यह सामानों के बेहतर वितरण और सेवाओं, सुविधाओं और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रास्ता खोलता है। इससे ग्रामीण आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के संदर्भ में ग्रामीण सड़कों के विकास पर सरकार का फोकस है। इस दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भले ही दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, परंतु फिर भी भारत में कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर या तो पक्की सड़कें नहीं हैं या फिर जो सड़कें हैं उनका फिर से निर्माण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां पर सड़कों की दशा बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करके सारे इलाकों में पक्की सड़कें उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। देश का हर प्रदेश, जिला, गांव, शहर एक दूसरे से जुड़ पाए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो जाए, यही इस योजना का उद्देश्य है। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम अभी आप पहुंचे हैं राटक गामलिन में। यहाँ पर जो है PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जायजा लेने, ये जो योजना है ये 2000 में शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा और अभी तक बरकरार है। इन लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था कि हर गांव, हर सड़क जो है पक्की सड़क से जुड़ जाए, तो चलिए अभी हम राटक गामलिन की ओर बढ़ते हैं। लेपारादा जिले में अरुणाचल प्रदेश का आत्मनिर्भर और विकास के सभी क्षेत्रों में राज्य का अग्रणी जिला बनने की क्षमता है और विधायक गोकर बासार और जिला उपायुक्त ममता रिवा के मार्गदर्शन और स्थानीय लोगों के सहयोग से जिले के चारों प्रशासनिक अंचलों बासार, तिरविन, दारी और सागो अंचल के सभी गांवों को PMGSY के तहत पक्की सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जा रही है। तिरविन अंचल के राता गामलिन विलेज को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को सफलतापूर्वक गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा चुका है। मेरे साथ मौजूद है इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर, तो चलिए उनसे बात करते हैं राता गामलिन की सड़क के बारे में। पहले वो लोग को बहुत हार्डशिप फेस करना पड़ता था, ये मेडिकल हो, अपना बिजनेस हो, इकोनॉमी के लिए ना, लेकिन जब से ये रास्ता आ गया, वो लोग अपना बस्ती का फ्रूट सोया वेजिटेबल हो उसको तिरविन मार्केट में जाकर दे सकता है। इकोनॉमी के लिए भी बहुत आगे बढ़ रहा है इसी रोड का कारण ना। और मेडिकल पहले वो लोग बाय रोड नहीं था तो बहुत तकलीफ फेस करता था, अभी आसान से हर घर में रास्ता पहुंच जाता है। ये रास्ता बनाने में तो इतना चैलेंजिंग फेस नहीं किया, क्योंकि पब्लिक लोग भी बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि वो लोग को भी रास्ता का वैल्यू मालूम था ना, ये रास्ता आने से वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं बोल के। इतना चैलेंजेस फेस नहीं किया रास्ता बनाने में। ये सड़क बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि ऐसे है ये एक आपका सेंट्रल स्कीम है तो वहाँ से भी आपका वो आता है इंस्पेक्शन टीम आता है, वो लोग भी पूरा इंस्पेक्शन करता है, ईयरली आता है इंस्पेक्शन करता है, वो लोग भी सब इसको अच्छा ग्रेडिंग देखे गया, रास्ता बहुत अच्छा है ना।
ये हम वही बोलेगा, ये PMGCY जो स्कीम है ये बहुत एक अच्छा स्कीम है ना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम है और आशा करता है और ऐसा स्कीम आते रहे। RWD की इंजीनियर यामा रुराम ने बताया कि स्थानीय लोग विकास में सड़कों के महत्व को समझते हैं, इसलिए उनका परियोजना को पूरा करने में भरपूर सहयोग मिला है। ये हम लोग का राता गमलिन रास्ता है, जो पहले बहुत सालों से हम लोग बहुत तकलीफ में था। जब रेनी सीजन में बस्ती तक गाड़ी नहीं पहुंचता था, तब हम लोग वहाँ से हम लोग का लकेल ये से बना के हम लोग यहाँ में पहुंचाता था। तो अभी रोड बन गया, तब से हम लोग यहाँ का बस्ती वाला बिजनेस करने वाला लोग और बीमार लोग और स्टूडेंट लोग आराम से सुविधा हम लोग मिल रहे, मन आराम से आना जाना हम लोग गाड़ी से अभी आराम से कर सक रहे हैं। इस बार PMGYS में हम लोग का ऑनरेबल MLA श्री गौकर बादशाह ने हम लोग को ये रास्ता को अच्छा से फुलफिल कर दिया। अभी बहुत चेंजेस हो गया, पहले हम लोग जब 30 रुपीस में मिलता था तो अभी 20 रुपया में मिल रहा है। डायरेक्ट गाड़ी तो बासर या आलो सिलापत्तर से टाटा मोबाइल से डायरेक्ट हम लोग का दुकान तक पहुंचाता है अभी। तो पहले तो यहाँ से हम लोग हेदलूत करके बस्ती में दुकान मालिक लोग से आपका पैसा दे के बच्चा लोग को ऐसे लेके जाने देता था, अभी तो डायरेक्ट गाड़ी पहुंच गया तब हम लोग का मार्केटिंग भी थोड़ा सुविधा हो गया और प्राइस भी थोड़ा कॉस्ट जो है कम हो गया बस्ती में। श्री लोई ने बताया कि गांव से कृषि उत्पाद आसानी से बाजार पहुंचाने से किसानों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। लेपारादा जिले के गालू विलेज के लिए 4 किलोमीटर लंबे PMGSY रोड का निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इस मनोरम गांव के लिए पक्की सड़क बन जाने से विकास को नया आयाम मिल रहा है। लेपारादा जिले के लोग मेहनती होते हैं, जरूरत सिर्फ उनके विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वाहन चालकों का कहना है कि पहले कच्ची सड़क से गांव में सामान पहुंचाने और लोगों को ले आने या जाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर अब पक्की सड़क बन जाने से उनको भी लाभ मिल रहा है। सड़कें किस तरह से किस गांव के विकास को आगे बढ़ाती है, इसका सफल उदाहरण पक्के PMGSY रोड से जुड़े लेपारादा जिले के गांव हैं। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम तिरविन के दौरे के बाद अभी गालू के PMGSY के सड़क पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सड़क जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि इनसे सड़क बनने से पहले की कहानी और बनने के बाद की कहानी जो है क्या है, चलिए आइए। हम पिकअप चलाता है, सामान बुकने के लिए आया है गालू बस्ती। पहले भी आ चुका था, उसमें रास्ता बहुत खराब था। अभी तो रास्ता PMGY आ गया, इसके लिए रास्ता हम लोग गाड़ी भी तकलीफ नहीं है। बसर सब डिवीज़न में यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आपका 4 नोज़ प्रोजेक्ट है। BRT रोड टू तापो जो आपका हेडक्वार्टर में पड़ता है, लेपारादा का जो बाउंड्री है, हेडक्वार्टर बाउंड्री लोअर सेंग वहाँ पे पड़ता है। और एक ये आपका ये जो रोड पीछे जो रोड दिख रहा है PMGSY रोड गालू, उसके बाद आपका है PW रोड टू तारे, आपका टाउन से 1 किलोमीटर ऊपर रेंज में है।
ये और एक है आपका बीआरटी ब्रुतु न्यदू जो निगम विले से पड़ता है न्यदू की तरफ। ये चार नोज ऑफ प्रोजेक्ट है बासर सब डिविजन के अंदर। रिपेयर प्रिपरेशन में पहले तो रिपेयर प्रिपरेशन में काफ़ी चैलेंजेस हम लोग को पेश करना पड़ता है। सर्वे का समय और आपका जोरहाट से क्लियरेंस लेना पड़ता है जो नोटिस का एसटीए है स्टेट टेक्निकल एजेंसी। उसके बाद फिर चिप के थ्रू होके फिर पीटीए होके दिल्ली से क्लियरेंस मिलता है। अनलाइक अदर स्कीम्स जो यूजुअली चिप लेवल में ही अपना स्टेट में क्लियर होता है, हम लोग का क्लियरेंस जो है दिल्ली से होना पड़ता है। और एग्जीक्यूशन लेवल में आपका कभी लेंथ तो यूजुअली कम्युनिटी लेंथ होने के नाते सब तो मतलब इसको इनकमेंस कुछ ये नहीं होता है, कुछ लाइबिलिटीज या कुछ कंप्लेन तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है कुछ निकल जाता है कंप्लेन, तो वो सब होता है एजुकेशन के प्रॉब्लम में। और वेदर आपका मॉनसून में थोड़ा प्रॉब्लम देता है एजुकेशन के दौरान, और बाकी तो ठीक ही है, टाइम टू टाइम चल जाता है काम। ये आप लोगों ने गौर किया होगा यूजली जो स्टेट्स के स्कीम्स है इसमें लेब वगैरह इतना साइट लेब जो है इतना आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन पीएमजीएसवाई में साइट लेब सबसे पहले मस्त होता है। साइट लेब होने के बाद उसमें आपका साइट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को रखना पड़ता है जो टाइम टू टाइम क्वालिटी को चेक करता है कि आपका एग्रीगेट या जो भी इसमें मटेरियल्स यूज़ हो रहा है वो मतलब अप टू स्टैंडर्ड है या नहीं, यूज़ करने के लायक है या नहीं। और टाइम टू टाइम सेंटर से भी मॉनिटरिंग टीम आता है, स्टेट से भी आता है स्टेट क्वालिटी मॉनिटर, और सेंटर से आपका एनक्यूएम होता है जो नेशनल क्वालिटी मॉनिटर, वो टाइम टू टाइम विजिट करता है तो वो भी आके चेक करता है, और डिपार्टमेंटल इंजीनियर्स भी बीच बीच में चेक करता है। इसमें कंस्ट्रक्शन आपका रोड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर छोटा रोड है तो उसे 12 मंथ्स का समय दिया जाता है, 12 मंथ्स आपका वन ईयर ना, और अगर रोड लेंथ स्ट्रेच ज़्यादा लंबा हो गया है तो लेंदी होने से 12 मंथ्स टाइम मतलब आपको नहीं 12 मंथ्स शॉर्टेज हो रहा है बोल के अनदर 6 मंथ्स ऐड करके 18 मंथ्स देता है, तो वो मैक्सिमम पीरियड होता है। वो कंप्लीशन के बाद आपका अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, रोड कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो उसमें आप एक्सटेंशन लेता है हिंड्रेंस रजिस्टर ये सब शो करके, और अगर वंस काम कंप्लीट हो गया है तो उसमें आपका मेंटेनेंस एक्टिविटी उसके बाद शुरू होता है। वंस ये प्रॉपरली कंप्लीट होने के लिए हम लोग को फॉर्म 20 ये सब सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपका मेंटेनेंस एक्टिविटी शुरू होता है, और जिस दिन से मेंटेनेंस एक्टिविटी शुरू हुआ है तो 5 ईयर्स तक कॉन्ट्रैक्टर को देखना होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक पूरा पहाड़ का ढांचा आ गया रास्ता को बंद कर दिया तो उसको कॉन्ट्रैक्टर देखना है, वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइबिलिटी में नहीं आता है। छोटे जैसे कि आपने अभी बोला छोटा छोटा जो है फोटोल्स वगैरह जंगल की क्लियरेंस और डेब्रिज जो कलवर्ट्स में जो क्रॉस ड्रेनेज है ना कलवर्ट्स उसके अंदर फंस जाते हैं, वो सब जो थोड़ा लाइट वाला काम है जो जितना हो सकता है बजट के अंदर ना, क्योंकि इकोनॉमिक एक स्कीम है इकोनॉमी वाला, तो उस हिसाब से ही मेंटेनेंस चलता है, ज़्यादा हैवी तो नहीं कर पाता है। पीएमजीएसवाई योजना के तहत पक्के सड़कों के निर्माण से गांव में सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और गांव के लोग खुशहाल हो रहे हैं। लेपारादा जिले में राज्य के अन्य जिलों की तुलना में साक्षरता दर अधिक है। लेपारादा जिले के विकास में सबसे बड़ी वादा रूरल कनेक्टिविटी थी, जिसे युवा विधायक गोकर बासर ने अच्छी तरह समझा और गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने और इलेक्ट्रिफिकेशन सहित तेजी से विकास के लिए जरूरी सुविधाओं को विकास की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा कराने के लिए संबंधित विभागों पंचायत सदस्यों और स्थानीय लोगों के साथ बेहतर तालमेल को प्राथमिकता दिया। लेपारादा जिले के गाँव में पक्की सड़कों का बिछता जाल विधायक गोकर बासर के क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल का ही सकारात्मक परिणाम है। हमारा डिस्ट्रिक्ट पे जो 2019 में विधायक बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहत जो स्कीम्स रूरल एरिया के लिए जो पीएमजीएसवाई रास्ता जो हमारा फॉर्मर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का रोड फॉर रूरल एरिया का जो पीएमजीएसवाई मुहिम जो चला कर रखा हुआ है, तो मैं विधायक बनने के बाद यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने 6 पीएमजीएसवाई सेंक्शन करके मुझे और हमारा डिस्ट्रिक्ट को दिए गए हैं, तो
स्पेशली मैं कहूँगा कि ये PMJSY जो है गालू और इगोरिजो के लिए बहुत लाभदायक रहा, क्योंकि इस 21st सेंचुरी पे गालू और इगोरिजो का जो इगोरिजो ये दोनों बस्ती पे देर वॉज नो ऑल वेदर रोड, और उसके बाद जो रताक गामलिन वहाँ पे भी बहुत दिक्कत था हमारा विलेजर्स को, और देकर देगम वहाँ पे भी बहुत दिक्कत था, और हमारा गोरी विलेज न्योदु निगम, तो इस बस्ती को 6 PMJSY से कवर अप किया गया है। तो मैं स्पेशली इस मेरा डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट रहा जो PMJSY को जिस तरह से इस 6 PMJSY स्कीम्स को रिकॉर्ड टाइम पे हमारा डिपार्टमेंट ने और हमारा कॉन्ट्रेक्टर ने मिल के इसे कंप्लीट किया। तो इसीलिए ये जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस PMJSY के तहत अभी जो मैंने कहा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वेटनरी डिपार्टमेंट के लिए और फार्मर्स के लिए बहुत लाभदायक रहा, और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है इस स्कीम्स के तहत जो रोड कम्युनिकेशन को बेनिफिट रिव कर रहा है। तो इसीलिए मैं स्पेशली हमारा चीफ मिनिस्टर और हमारा RWD मिनिस्टर को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें 6 PMJSY दिया, और उसे हमारा RWD डिपार्टमेंट ने बहुत सही तरह से फंड को यूटिलाइज किया, और उसके बाद रिकॉर्ड टाइम पे इसे कंप्लीट करके हमारा रूरल पब्लिक को डेडिकेट किया। तो इसलिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, और मैं आपका माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये PMJSY जो है बहुत एक अच्छा स्कीम है, इसे हम कंटिन्यू करना चाहिए हर विलेजेस पे। तो मैं यही कहूँगा वंस अगेन थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस 6 PMJSY प्रोजेक्ट। पेपाराता जिले के गोरी तारे और न्योदो गांव में भी PMJSY के तहत पक्की सड़कें बन गई हैं। गांव के लोग सरकार की इस योजना से खुश हैं, और उनका कहना है कि अब मेडिकल पहुंचने के लिए समय बहुत कम लगता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से लोगों को मिल रही है। गांव के हर वर्ग का मानना है कि हर मौसम के अनुकूल पक्की सड़क से गांव के जुड़े जाने से आत्मनिर्भर मिशन से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप में व्यवसाय को गति मिल रही है, और उन्हें मार्केटिंग के साथ ही अन्य गतिविधियों में सहायता मिल रही है। जब से ये रूट शुरू है आए तो हम लोग को बहुत सुविधा मिला है। जब मेडिकल जाते समय में भी पहले रूट नहीं होने से हम लोग मेन रूट में था, तो उसमें ऑटो भी लेके गया था, तो बहुत तकलीफ था बीमार वाला भी, तो अभी तो मेन रूट आ गया तो अभी बहुत सुविधा हो गया। हम लोग का माल कल भी लिए भी बहुत सुविधा हो गया। अभी मार्केट के कोने में भी यहाँ से डायरेक्ट इसे लेके जाता है सामान, पहले तो वो रोड में निकलना था, अभी इसमें सामने में आ गया तो, और इसमें मीटिंग हॉल में भी अभी बहुत सुविधा है सामान वामान बुकने के लिए भी, रोड आ गया तो बहुत सुविधा हो गया हम लोग का। हम लोग का यहाँ जब यह रास्ता नहीं बना था तो बस्ती के अंदर में लकड़ी लाने के लिए, बम्बू लाने के लिए और तुकू पत्ता लाने के लिए घर बनाने के बहुत तकलीफ होता था। अभी तो घर घर में घर का सामने में पूरा सब गिरा देता है, और यहाँ से एक एक किसी का भी गौर गौर का सामने में रास्ता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मेडिकल जाना और मार्केट जाना, कहाँ कहाँ जाना, सब सुविधा हो गया है। गवर्नमेंट आ गया है, सरकार आ गया है, बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग भी बहुत अभी खुशी में है इस बस्ती में, और हम लोग का यहाँ में ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इंस्ट्रक्शन करते रहता है, आते रहता है, हम लोग मिलते रहता है, बहुत अच्छा बात है इसीलिए। और इस बार तो हम लोग ये क्लीनेस्ट विलेज का प्राइज मिला है, ये लेपाराता डिस्ट्रिक्ट का ना। जब ये PMJSY रोड नहीं आया था हमारे बस्ती में, तो हमें जाने आने सामान वामान बुकने में बहुत तकलीफ होता था। ये रोड बन गया तो अभी हमारा ये जो जीवन जो हम लोग चल रहे हैं बहुत खुशहाल हो गया है। हमें अभी आने जाने में
कोई दिक्कत नहीं होती, सामान वामान हम दूर दूर से ला सकते हैं। हर जगह अभी कनेक्टिविटी चल रहा है PMGOS रोड का। तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर आपका यहाँ बोले तो 200+ बस्ती घर है, और ये घर इसी सड़क से आना जाना करते हैं और सामान यहाँ से ही जाके स्टाफ से कनेक्ट है या हमारे हाईवे से भी कनेक्ट है, तो इसके वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होता। सबसे बड़ा हमारा यहाँ में पैदा PMGSY रोड का हुआ है। यहाँ जितने भी हमारे यहाँ अभी जनता है और जितने भी हमारे गाँववासी हैं, उन्हें अभी मेडिकल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सबसे बड़ा फायदा PMGSY का यह है कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो यहाँ से अभी कनेक्टिविटी होने के कारण हमें कोई तकलीफ नहीं होता। मेडिकल अभी यहाँ से सामने पड़ जाता है। पहले तो हमें अगर कोई बीमार होता था तो वहाँ पहुँचते पहुँचते किसी का पहुँचने से पहले डेड उड हो जाता था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी इस रोड के कारण हमें बहुत सारा फायदा मिल रहा है। नेवानदा जिले की उप आयुक्त ममता रिवा ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अरुणाचल प्रदेश के सुदूर और पर्वतीय गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना बताया। उन्होंने कहा कि नेवानदा जिले की सभी PMGSY रोड स्कीम को सफलतापूर्वक समय पर पूरा कर लिया गया है और इसका लाभ गाँव में निवास करने वाले सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। As we all know, the lifeline of our villages is the PMGSY, and I take this opportunity again to thank the Government of India for the PMGSY project and for the intensive allocations given to Arunachal Pradesh to link its very distantly located villages with each other. PMGSY actually has been the lifeline of Arunachal Pradesh. Since this is a state which is mostly a rural area with villages located on hilltops very far from each other, the contribution to the development of the economy, the contribution to the progress in the field of education, in the field of other sectors like agriculture, horticulture, has all been made possible by the presence of these lifelines called the PMGSY. I'm very happy, and on behalf of the Department of RWD team, I would like to inform that so far as Leparada is concerned, as of now, we are 100% saturated with the projects that we have been assigned, and we hope that with more projects coming up, we would also be one of the best performing teams, saturating ourselves at the earliest. Not only because saturation is a formal requirement, but also the sooner we join the villages with very good quality roads, vehicle worthy roads, the better it will be for one and all, especially for the patients who might be living in the villages, for them to come down to multi-speciality hospitals through the PMGSY road. We will do our best, and we hope that we continue to be blessed with more projects in the district. Thank you. जिला उपायुक्त ममता रिवा ने बताया कि पक्की सड़कों से जुड़ने के बाद अब लेपारादा जिले के गांव का और तेजी से विकास हो रहा है और गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। दर्शकों, आप सभी ने देखा लेपारादा जिले में किस तरह से PMGSY रोड आने के बाद जो है किस तरह से गांव वाले जो है उसके लाभ उठा रहे हैं और उन्हें किस तरह से पहले जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सड़क के आ जाने के बाद जो है उन लोगों का जीवन जो है बहुत ही सरल हो गया है और उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है सड़क बनने से। और ये PMGSY रोड जो है किस तरह से गांव गांव में सड़क पक्की सड़क ये कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।